राजस्थान में अब क्या करेंगे सचिन पायलट? अशोक गहलोत ही होंगे कांग्रेस का चेहरा। वीडियो गेम ने साफ की कांग्रेस की पसंद। एक वीडियो गेम ने सूबे के मुख्यमंत्री पद के दावेदार का चेहरा साफ कर दिया। हम आपको पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से समझाएं, उससे पहले आप इस वीडियो गेम पर एक बार गौर फरमाएं। इस पूरे वीडियो गेम को कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर माजरा है क्या। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत खत्म हो चुकी है। इसको साफ किया है खुद कांग्रेस ने अपने इस वीडियो गेम में, जिसमें गहलोत को 2023 में चेहरा बनाया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि नई चुनौतियों के लिए ये तैयार। 2023-28 राजस्थान में गहलोत फिर से। ये वीडियो जारी होने के बाद ये तय माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि अगर राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत सीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगे तो सचिन पायलट क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प बचता है। अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर बगावत कर चुके सचिन पायलट पिछले 3 साल से राज्य में पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी सचिन पायलट ने खुद को चेहरा बनाने के लिए राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही थी। अशोक गहलोत ने इसके लिए कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद भी सचिन पायलट का भरोसा कहीं ना कहीं जिंदा था। वो आला कमान पर भरोसा बनाए रखे और फैसले का इंतजार करते रहे, लेकिन अब पूरी पिक्चर साफ हो चुकी है तो सवाल उठता है कि सचिन पायलट के सामने अब क्या विकल्प बचते हैं। सचिन के सामने इस वक्त इकलौता विकल्प है कि चुनाव में वो कांग्रेस के प्रदर्शन का इंतजार करें, क्योंकि उनकी बगावत किसी काम नहीं आई। वहीं गहलोत ये समझाने में सफल रहे कि पायलट से ज्यादा वफादार वो हैं। एक और बात जो सामने आई वो ये कि पायलट के समर्थन वाले विधायकों की संख्या 30 से घटकर 19 हो गई। इसलिए जरूरी है कि पायलट खुद को मजबूत करें। आला कमान का भरोसा जीतना भी जरूरी है, जिससे कांग्रेस अगर जीती तो पार्टी में एक सम्मानजनक पद हासिल कर सके। इसके अलावा सचिन पायलट चाहे तो आला कमान से मुंह मोड़ कर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं। बीजेपी में जाने के अलावा वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। उनके राजनीतिक क्षेत्र यानी दौसा इलाके के कद्दावर बीजेपी नेता सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट को कई बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने की नसीहत दे चुके हैं। आरएलपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी पायलट को खुला निमंत्रण है। हनुमान बेनीवाल कई बार पायलट को आवाज बुलंद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में यदि चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा खड़ा होता है तो पायलट उसमें शामिल हो सकते हैं। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।